देखो भी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका ध्यान रखना होता है जब भी हम गेमिंग लैपटॉप बाय कर रहे हैं एंड वो भी 80,000 रुपए का। लाइक प्रोसेसर की बात करें तो राइजन की जो लीटेस्ट सीरीज चल रही है ना इस टाइम पे वो 7000 सीरीज चल रही है, तो उसके नीचे नहीं जाना। ये एक स्टैंडर्ड है कि जब भी हम इतने पैसे लगा रहे होते हैं ना तो हमें लेटेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। लेकिन ये चीज ना इंटेल के केस में बोलनी गलत होगी, क्योंकि जो इंटेल की लेटेस्ट सीरीज चल रही है वो चल रही है 14 जनरेशन एंड भाई साहब वो इस टाइम पे आपको मिलेंगे 1.25 लाख या फिर 1,30,000 के आसपास। तो उन लैपटॉप की स्टार्टिंग होती है जिनके अंदर आपको 14 जनरेशन का प्रोसेसर मिलेगा। तो इंटेल में एक काम करते हैं 13 जनरेशन बाय करेंगे, इससे नीचे नहीं जाना। अब देखो कई बार ना ये कंफ्यूजन होती है कि 12 जनरेशन का प्रोसेसर लेता हूं मैं, i7 ले लेता हूं, उसकी परफॉर्मेंस तो i5 13 जनरेशन से बेटर होगी बिकॉज i7 तो अच्छा हो ना i5 से। टोटली रॉन्ग है भाई, सच्ची में बहुत ज्यादा फर्क होता है। तो इन चीजों की टेंशन आपने बिल्कुल ही लेनी। मैं बैठा हूं ना, मैं आपको सबसे बढ़िया लैपटॉप बताऊंगा जो कि इस टाइम पे लेटेस्ट है एंड सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर समझा दूंगा। जैसे ये वीडियो खत्म होगी ना तो आपको ये चीज पता होगी कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, इस बजट के अंदर मुझे ये वाला लैपटॉप बाय करना है। और एक दूसरी चीज का जो हमने ध्यान रखना है वो होता है ग्राफिक कार्ड, बिकॉज जीपीयू ने तो अपनी गेमिंग करवा के देनी है, उसके बिना गेमिंग करनी तो इम्पॉसिबल है। एंड जो ग्राफिक कार्ड की लेटेस्ट सीरीज चल रही है वो चल रही है 4000 सीरीज, 4050 एंड 4060, यही वाले लेने हमने भी। सिर्फ एक ऑप्शन आपको बताऊंगा 3050 वाला, वो इसलिए पहली बात तो वो 6GB का ग्राफिक कार्ड है, 4GB वाला नहीं है। एंड दूसरी बात भाई उसकी जो परफॉर्मेंस है ना, मतलब एक बार तो मैं भी शॉक हो गया था कि 3050 इतनी बड़ी परफॉर्मेंस हमें कैसे दे रहा है। एंड जिस लैपटॉप की मैं बात कर रहा हूं ना वो लैपटॉप है डेल का, डेल G15 5530 लैपटॉप। अब देखो लैपटॉप का रिव्यू आपको चैनल के ऊपर मिल जाएगा। भाई इसका जो डिजाइन है ना वो टोटली डिफरेंट है। साइड पे देखो ऐसे यहाँ पे जी लिखा हुआ है, पीछे की तरफ इन्होंने क्या किया कि ट्रायंगल बना दिया एंड उसके बीच में डेल का लोगो लगा दिया। एंड इसमें हमें जो बैकलिट मिलता है ना वो ऑरेंज कलर का है, भाई दिखने में इतना यूनिक लगता है ना, एकदम एक किलर लुक आती है। प्राइस की बात करें तो 78,000 के आसपास हमें लैपटॉप मिल जाएगा, पॉलीकार्बोनेट बॉडी है एंड हाँ इसके अंदर हमें डेडिकेटेड जी बटन दिया गया है। बेसिकली परफॉर्मेंस मोड को ऑन करने का शॉर्टकट है और कुछ नहीं है, वो इसलिए कर दिया बिकॉज जी सीरीज का लैपटॉप है तो उससे थोड़ा रिलेट होता है कि जी वाली की को हम हाईलाइट कर दें। एनीवेज i5 का 13 जनरेशन प्रोसेसर है, 13 450HX, 10 कोर 16 थ्रेड्स वाला। देखो i5 के अंदर ना ये प्रोसेसर सबसे तगड़ा है, इससे ऊपर आपको 13 जनरेशन का कोई प्रोसेसर नहीं मिलेगा i5 के अंदर। एंड इसके सारे स्कोर्स एक बार ही आप चेक कर लो, सिनेबेंच हो गया, 3D मार्क हो गया, PC मार्क हो गया, सारे हमें कमाल के स्कोर्स मिल जाते हैं। 16GB की रैम है, DDR5 रैम दे रखी है 4800 MHz वाली। एक तो इसका प्रोसेसर लेटेस्ट है, दूसरी चीज रैम भी लेटेस्ट होगी एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल भी है 32GB तक। 1TB की SSD है, Gen 4 SSD है, विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल एंड लेटेस्ट। तो तीनों चीजें लेटेस्ट मिल रही है, प्रोसेसर रैम एंड स्टोरेज, ये बढ़िया चीज होती है। 15.6 इंच की फुल HD WVNT के लिए डिस्प्ले में जाती है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है एंड इसके अंदर भाई हमें जो ग्राफिक कार्ड दिया गया वो दिया गया RTX 3050 6GB का, TGP 95W है, तगड़े वाला ग्राफिक कार्ड है, मक्स स्विच इंक्लूडेड है जिसे हम बायोस में जाके मैनेज कर सकते हैं। भाई जब मैंने इसके ऊपर गेमिंग करी ना, सबसे पहले मैंने GT5 खेली, वेरी हाई सेटिंग्स के ऊपर ना वीसिंक ऑफ करने पे मुझे 140 से 150 FPS मिल रहे हैं एंड बिल्कुल ही सेम सेटिंग्स के ऊपर 120 FPS मिल रहे हैं अगर हम वीसिंक को ऑन कर दें। एंड उसके बाद सेटिंग चेंज कर दी, हाई सेटिंग के ऊपर गेम चल रही है, अब 180 से 190 FPS मिल रहे हैं और वीसिंक ऑन कर दिया 120 FPS। उसके बाद मैंने टेस्ट करी साइबरपंक, हाई सेटिंग के ऊपर DLSS परफॉर्मेंस पे था तो 80 to 90 FPS मिल रहे हैं। सेम सेटिंग्स के ऊपर DLSS अल्ट्रा परफॉर्मेंस पे कर दिया, 110 से 115 FPS हो गए एंड DLSS मैंने ऑफ कर दिया, फिर 45 to 50 FPS मिल रही है। इसका मतलब देखो ये है कि आप इसके ऊपर जैसी मर्जी AAA टाइटल वाली गेम्स खेल लेना, गेमिंग के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, हर एक सेटिंग के ऊपर बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है। एंड इसे बाय करने के कुछ और भी पॉजिटिव पॉइंट्स है, लाइक इसके अंदर हमें सबसे पहली चीज तो MS ऑफिस मिलता है लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में 2021 एंड ये चीज ना एक्चुअली बहुत ही रेयर होती है। कई बार ना आपके कमेंट्स आते हैं कि भाई मुझे ऐसा गेमिंग लैपटॉप बताओ जिसके अंदर MS ऑफिस भी मिल रहा हो एंड वो भी लाइफ टाइम, तो ये लैपटॉप आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा। मैकाफी एंटीवायरस मिल जाएगा 1 महीने के लिए, दोनों चीजें मिल रही हैं, गो फॉर इट। 56W की बैटरी के साथ ही 240W का अडैप्टर दिया गया लैपटॉप में, सारी नेसेसरी पोर्ट्स मिल जाती हैं। राइट साइड पे 2 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट्स हैं, लेफ्ट साइड पे लैन पोर्ट होगी, 3.5mm जैक हो गया एंड बाकी जो सारा पोर्ट्स का नामझाम है ना वो हमें मिलेगा बैक साइड पे। पावर पोर्ट होगी HDMI 2.1, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप ए, एक USB 3.2 Gen 1 टाइप सी जो कि चार्जिंग को सपोर्ट नहीं करती, डिस्प्ले को करती है, फास्ट डेटा ट्रांसफर को। तो बढ़िया लैपटॉप है, हर तरह की मैंने इसके ऊपर गेमिंग करके देखी है, एडिटिंग भी करके देखी है, मक्खन होता सब कुछ, परफॉर्मेंस के अंदर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, गो फॉर इट। आगे बढ़ते हैं, Acer Nitro V गेमिंग लैपटॉप है। भाई ये लैपटॉप देख के तो मैं एक बार हैरान ही हो गया, 75 से लेके 77,000 तक के बीच में इसका प्राइस रहता है एंड ये लैपटॉप अपने प्राइस को पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहा है। 13 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ ही आपको RTX 4050 ग्राफिक कार्ड मिल रहा है, भाई इस दाम पे आपको ये वाला ग्राफिक कार्ड दूसरे किसी लैपटॉप के अंदर नहीं मिलेगा। ग्राफिक कार्ड चेक करते हैं बट फर्स्ट प्रोसेसर को समझ लो, i5 का 13 420H प्रोसेसर है, जो इससे पहले हमने डेल का लैपटॉप देखा ना उसके अंदर हमें 13 450HX प्रोसेसर मिल रहा था बट ये H वाला है। अब देखो H, HS और HX इनके बारे में मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियोस के अंदर बताया, आप में से जितने भी लोग चैनल को फॉलो करते हो तो आपको तो पता होगा इन तीनों में से HX वाले की परफॉर्मेंस सबसे बढ़िया होती है, तो इसकी परफॉर्मेंस डेल वाले से एक लेवल नीचे है। लेकिन देखो आपको इतना फर्क नहीं पता चलेगा बिकॉज ग्राफिक कार्ड एक स्टेप ऊपर मिल गया RTX 4050 एंड जो 4050 है ना वो हमें 6GB का दिया गया, TGP 75W है, तो तगड़ा ग्राफिक कार्ड दिया गया।
लैपटॉप में। भाई ये चीज मैंने कई बार नोटिस किया कि जो एसर के लैपटॉप होते हैं ना उनके अंदर हमें जो स्पेसिफिकेशन मिल जाती है वो एकदम ही कमाल की मिलती है एंड एकदम ही सही प्राइस पे मिलती है। 16 GB की रैम है लैपटॉप में, DDR5 रैम है लेटेस्ट, 32 GB तक एक्सपेंडेबल, 512 GB की Gen 4 SSD लेटेस्ट एंड ऑल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 इंचेस की फुल एचडी IPS डिस्प्ले मिल जाती है लैपटॉप में, 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 99% sRGB एंड 3 मिलीसेकंड इसका रिस्पांस टाइम है। अब इसके गेमिंग स्कोर चेक करते हैं। देखो जब साइबरपंक खेली ना अल्ट्रा सेटिंग के ऊपर DLSS ऑफ करके 45-50 FPS मिल रही है, DLSS ऑन कर दिया 60-65 FPS मिल रही है, एक्सट्रीम सेटिंग्स के ऊपर GT5 चली फिर उसके बाद 50-55 FPS मिल रहे ऑन एन एवरेज, कॉल ऑफ ड्यूटी हो गया उसके सारे स्कोर्स आपके सामने, तो एकदम ही अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस हमें इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके अंदर। 57 वॉट आवर्स की बैटरी एंड 135 वॉट का अडैप्टर, 3 USB टाइप है, एक थंडरबोल्ट 4 पोर्ट है, HDMI ईथरनेट एंड 3.5mm जैक, उसके बाद बैकलिट कीबोर्ड ऑब्वियसली यार गेमिंग लैपटॉप है वो तो मिलेगा ही हमें। तो चलो आगे बढ़ते हैं, तीसरा लैपटॉप आपको बताता हूँ HP का विक्टस गेमिंग लैपटॉप है, 78,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। देखो प्रोसेसर इसके अंदर सेम दिया गया है जो Acer Nitro V गेमिंग लैपटॉप वाला था ना, जो हमने इससे पहले वाला देखा i5 का 13 420H, तगड़ा प्रोसेसर है एंड इसके सारे स्कोर एक बार चेक कर लो, सिनेबेंच हो गया, ओपन सीएल स्कोर वगैरह ये भी हमें ठीक मिल जाते हैं, 16 GB की रैम है, DDR4 रैम है, 3200 MHz वाली डुअल चैनल, इस चीज का थोड़ा देखना पड़ेगा, DDR5 रैम होनी चाहिए थी वैसे, 32 GB तक एक्सपेंडेबल, 512 GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। अब देखो इसकी जो डिस्प्ले है वो स्टैंडर्ड डिस्प्ले जो कि इस पीरियड के ऑलमोस्ट हर एक गेमिंग लैपटॉप के अंदर हमें मिलती है, 15.6 इंच इसका डिस्प्ले साइज हो गया, फुल एचडी IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले, 144 Hz का रिफ्रेश रेट, 250 nits की ब्राइटनेस एंड 45% NTSC 9 मिलीसेकंड रिस्पांस टाइम है। देखो 80,000 के ऑलमोस्ट हर एक गेमिंग लैपटॉप के अंदर आपको ऐसी ही डिस्प्ले मिलती है, ऑलमोस्ट सिमिलर डिस्प्ले होती है, कुछ नया नहीं होता इसकी डिस्प्ले में। ग्राफिक कार्ड भी सेम दिया गया, RTX 4050 ग्राफिक कार्ड है, TGP 75 वॉट्स है एंड गेमिंग स्कोर्स भी आप चेक कर लो वीडियो पॉज करके, GT5 होगी वेरी हाई सेटिंग्स के ऊपर, स्पाइडरमैन रिमास्टर्ड होगी, असैसिन्स क्रीड होगी वैलहला, तो सारे गेमिंग स्कोर्स अच्छे हैं इसके भी, गेमिंग करवा देगा ये लैपटॉप आपकी, MS ऑफिस ये 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। अब देखो एक चीज यहाँ पे समझने वाली है, जो हमने इससे पहले वाला लैपटॉप चेक किया ना, एक्चुअली Acer Nitro V एंड HP Victus ये दोनों लैपटॉप ना एक दूसरे के ऑल्टरनेट ऑप्शंस ही हैं, मैं ऐसे ही कह सकता हूँ, क्योंकि Acer वाले के अंदर ना सिर्फ रैम के मेगाहर्ट्ज़ ज्यादा है, बाकी जो सारे कंपोनेंट्स हैं ना दोनों लैपटॉप्स के वो कंप्लीटली सेम है, इवन ग्राफिक कार्ड की TGP भी सेम दे रखी है। वैसे इस चीज का आपको फायदा हो जाएगा, अगर आपको HP ब्रांड बढ़िया लगता है तो उसका लैपटॉप बाय कर लो, Acer के साथ कंफर्टेबल हो तो उसे भी बाय कर सकते हो, मेरे हिसाब से दोनों ही ब्रांड अच्छे हैं, आप इनमें से किसी भी लैपटॉप को बाय कर सकते हो। और हाँ, इसकी जो पोर्ट्स हैं HDMI 2.1, ईथरनेट, एक USB 3.2 टाइप सी जो कि डिस्प्ले पावर डिलीवरी एंड HP स्लीप एंड चार्ज को सपोर्ट करती है, 2 USB टाइप ए, SD कार्ड रीडर एंड 3.5mm जैक, ये सारी पोर्ट्स मिल जाती हैं एंड इसके अंदर भी हमें डेडिकेटेड बटन मिल जाएगा गेमिंग मोड को ऑन करने के लिए। अब देखो इंटेल वाले तो इतने सारे लैपटॉप चेक कर लिए हमने, लेकिन राइजन में आपको 1% की भी कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाली, बिकॉज इस पैरेट के अंदर आपको राइजन का सिर्फ एक ही लैपटॉप बताऊंगा जो कि सबका बाप है, इस पैरेट के अंदर आपको राइजन का ही दूसरा कोई प्रोसेसर, दूसरा कोई भी लैपटॉप इसके टक्कर का आपको नहीं मिलने वाला। लिनोवो लॉक लैपटॉप 80,000 से लेके 84,000 के बीच में इसका प्राइस वेरी करता है, लेकिन अगर आप 84 में बाय कर रहे हो, 80,000 में बाय कर रहे हो, टोटली वर्थ इट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है, ड्यूरेबिलिटी अच्छी होगी लैपटॉप की, राइजन 7 प्रोसेसर है लेटेस्ट 7000 सीरीज का, 7840HS 8 Core 16 Threads वाला, एकदम ही तगड़ा प्रोसेसर है, आपका हर एक काम ये लैपटॉप इजीली हैंडल कर लेगा। 16 GB की रैम है, DDR5 रैम है, 5600 MHz वाली, तो ये भी चीज लेटेस्ट होगी, रैम एक्सपेंडेबल है 32 GB तक, 512 GB की Gen 4 SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। देखो एक चीज का आपने भी ध्यान रखना है कि जो रैम एंड स्टोरेज है ना, गेमिंग लैपटॉप जब भी बाय करना, ये दोनों चीजें एक्सपेंडेबल होनी चाहिए, इनके बिना काम नहीं चलेगा। 15.6 इंचेस की डिस्प्ले, स्टैंडर्ड डिस्प्ले 350 nits की ब्राइटनेस के साथ ही 144 Hz का रिफ्रेश रेट है, बस इसकी जो डिस्प्ले है ना उसके निट्स ज्यादा है ब्राइटनेस वाले, फुल एचडी IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले है एंड इसके अंदर हमें जो ग्राफिक कार्ड मिलता है वो मिलता है 4050 6 GB का, लेकिन TGP ज्यादा है, 95W TGP है, मक्स स्विचिंग इंक्लूडेड है। अभी तक की वीडियो के अंदर हमने जितने भी लैपटॉप चेक किए ना, उन सभी के कंपैरिजन में सबसे तगड़ा ग्राफिक कार्ड आपको इसके अंदर दिया गया। क्या बोल रहे हो, कि इससे भी तगड़ा GPU मैं आपको लास्ट वाले लैपटॉप के अंदर बताऊंगा? भाई वो भी बता दूंगा जनाब, पहले इसके गेमिंग स्कोर्स चेक कर लें एक बार। GT5 के ऊपर आपको वेरी हाई अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर 80-100 FPS मिल रहे हैं। Forza Horizon 5 की बात करें तो हमें अल्ट्रा सेटिंग्स के ऊपर रे ट्रेसिंग ऑन DLSS ऑफ करने पे 90-120 FPS मिल रही है एंड बाकी Far Cry 6, Cyberpunk एंड Spider-Man इन तीनों के स्कोर्स आपके सामने, वीडियो पॉज करो स्कोर्स को चेक कर लो। MS Office हमें इसके अंदर भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। देखो ये लैपटॉप ना रैपिड फास्ट चार्जिंग प्रो को सपोर्ट करता है, पहले तो हमें 60 वॉट आवर्स की बैटरी मिल जाती है 170 वॉट के अडैप्टर के साथ एंड 100% बैटरी 80 मिनट्स के अंदर चार्ज हो जाती है। वैसे ये बढ़िया चीज है क्योंकि गेमिंग लैपटॉप की बैटरी बहुत ही जल्दी से खत्म होती है, आप सभी को बताइए कि बैटरी बैकअप तो हमें इसके अंदर मिलता ही नहीं है किसी भी गेमिंग लैपटॉप के अंदर, मैक्सिमम आपको 2-3 घंटे तक का मिल जाएगा नॉर्मल यूजेज के ऊपर, तो फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट मिल रही है, बढ़िया चीज है। 2 USB टाइप ए 3.2 Gen 2, ईथरनेट, HDMI 2.1, एक USB टाइप सी जो कि डिस्प्ले पोर्ट, 140 वॉट की पावर डिलीवरी एंड 100 GBPS के डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करती है, 3.5mm जैक हो गया, ई कैमरा शटर दिया गया लैपटॉप में, एक USB टाइप ए 3.2 Gen 1 जो कि 5 GBPS तक के डेटा
डेटा ट्रांसफर को सपोर्ट करती है। ये मामला था पोर्ट्स का, लेकिन इस लैपटॉप के अंदर आपको कुछ एडिशनल चीजें भी मिल जाती है, एक्स्ट्रा पैकेज, 3 महीने के लिए गेमिंग पास मिल जाएगा, तो अच्छा लैपटॉप है। देखो अभी वीडियो खत्म नहीं हुई, अब मैं आपको वो वाला लैपटॉप बताऊंगा जिसका वेट कर रहे हो। लिनोवो का लॉक लैपटॉप है, 84,000 rupees इसका करंट प्राइस है, एंड ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। भाई इसके अंदर हमें जो ग्राफिक कार्ड मिल जाता है ना, 4050 दिया गया 6GB का, लेकिन 105W TGP वाला है, मतलब के सबसे तगड़ा, मक स्विच इंक्लूडेड है, G-Sync को भी सपोर्ट करता है, एंड ये इंटेल वाला है, i5 का 13450HX प्रोसेसर है, सबसे तगड़े वाला। अब एक चीज करते हैं, देखो इसका कंपैरिजन करते हैं जो इससे पहले हमने Ryzen 7 देखा ना 7000 सीरीज वाला, उस प्रोसेसर के साथ में। तो सिंगल कोर में 3% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकल के आती है 13 जनरेशन के लैपटॉप की, एंड मल्टी कोर में 7% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आ जाती है इंटेल के लैपटॉप की। वैसे तो ये जो स्कोर्स है ना उनका इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। भाई सच्ची बताऊं तो आपको पता भी नहीं चलेगा गेमिंग परफॉर्मेंस के अंदर। अगर आपको ये लैपटॉप अच्छा लगता है आप इसे बाय कर लो, Ryzen वाला भी बहुत ही बढ़िया है। लैपटॉप के अंदर हमें 16GB की रैम मिल जाती है, रैम एक्सपेंडेबल है 32GB तक, 512GB की SSD दैट इज आल्सो एक्सपेंडेबल, 15.6 inches की फुल एचडी IPS एंटीग्लेयर डिस्प्ले, 100% sRGB, 144Hz का रिफ्रेश रेट है, एंड 300 nits की ब्राइटनेस। और हाँ, जब भी आपने गेमिंग लैपटॉप बाय करना है ना, एक चीज का ध्यान रखना कि आपकी लैपटॉप की डिस्प्ले के अंदर ना 120 या फिर 144Hz का रिफ्रेश रेट तो मिनिमम है, इससे नीचे नहीं लेना, नहीं तो आपकी गेमिंग पॉसिबल ही नहीं है। ग्राफिक कार्ड तो हम चेक कर चुके हैं, अब इसके गेमिंग स्कोर चेक करें तो सारे गेमिंग स्कोर आपके सामने है, हर एक गेम एकदम ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिल रही है हमें। MS Office भी दिया गया लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में। यार एक चीज मैंने नोटिस करी है कि 80,000 के बजट के अंदर हमें जितने भी लैपटॉप मिलते हैं ना, उन सभी के अंदर हमें जो मैक्सिमम मिल सकता है ना एक लैपटॉप के अंदर, चाहे वो पोर्ट्स है, चाहे वो ग्राफिक कार्ड है, प्रोसेसर है, रैम स्टोरेज, वो सब कुछ हमें इस लैपटॉप के अंदर दिया गया। ये एक्चुअली ऐसा लैपटॉप है कि भाई आपको लैपटॉप के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या चीजें चेक करनी चाहिए अभी भी कंफ्यूजन हो रही है, बिल्कुल आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो, सिंपल चीज है। 3 USB 3.2 Gen 1 टाइप ए पोर्ट्स मिल जाती है, 1 USB 3.2 Gen 2 टाइप सी जो कि डेटा ट्रांसफर, डिस्प्ले पोर्ट एंड चार्जिंग तीनों को सपोर्ट करती है, फुली फीचर्ड, HDMI, ईथरनेट एंड 3.5mm कॉम्बो दिया गया, एंड बाकी जो एक्सबॉक्स का गेमिंग पास है 3 महीने के लिए वो भी मिल जाएगा, 4-zone बैकलाइट कीबोर्ड भी है, एंड साथ में ई कैमरा शटर भी है। तो बढ़िया लैपटॉप है, आप इसे जरूर कंसिडर करो, हाईली रिकमेंडेड आपके लिए। वैसे मैंने आपको जो पांचों लैपटॉप बताए ना, ये पांचों के पांचों लैपटॉप अपने अपने प्राइस के अकॉर्डिंग सबसे बढ़िया ऑप्शन है। बेसिकली आपको 75,000 से लेकर ना 84,000-85,000 तक के सबसे बढ़िया ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। आपका जो भी बजट है, आपको इनमें से जो भी लैपटॉप बढ़िया लगता है आप उसे जाके बाय कर लो, परफॉर्मेंस की फुल गारंटी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। सभी के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर करें, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।